बिजनौर के नगीना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 वांछित अभियुक्त को 2,58,000 के नकली नोट और 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी बिजनौर ने बताया कि यह अभियुक्त चोरी के मुकदमे भी वांछित है। वहीं इसके कब्जे में 4,000 भी बरामद किए गए हैं। वहीं इसका पहले भी आपराधिक इतिहास है और कई मुकदमे इस पर दर्ज है। 2,58,000 के नकली नोटों में 2,000 के नोट, 500 के नोट व 200 के नोट भी बरामद किए गए हैं। वहीं अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एसपी बिजनौर ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को ईदगाह के पास बढ़ापुर रोड से गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त चोरी के मुकदमे में भी वंचित है। वहीं इसके कब्जे में 4,000 भी बरामद किए गए हैं। वहीं इसके पहले भी इसमें आपराधिक इतिहास है और कई मुकदमे दर्ज है। 2,58,000 के नकली नोटों में 2,000 के नोट, 500 के नोट और 200 के नोट बरामद किए गए हैं। वहीं अभियुक्त के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एसपी बिजनौर ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को ईदगाह के पास बड़ापुर रोड से गिरफ्तार किया गया है। जनपद का टॉप 10 का अपराधी शाहिद उर्फ पप्पी, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था, चोरी के एक मुकदमे में वांछित भी था। इसके गैंग के अन्य मेंबर गिरफ्तार हो चुके थे। ये वांछित था। नगीना पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से नकली नोट, जिसमें 2,500-200 रुपये के जो स्कैन करके लोगों में बांटते भी थे और अपना खर्चा चलाते थे, इसके साथ एक अन्य अभियुक्त नई, जो कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है, इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, लगभग 2,58,000 रुपया और एक चोरी का जो माल था जिसमें वांछित था, वो भी पैसा बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर।